जोहार नमस्कार। अभी इस वक्त हम लोग खड़ा है डुमरी विधानसभा के अंतर्गत नावाड़ी प्रखंड में, और इस तरह देख रहे हैं तो बीच में जो उद्यम है, आज बैठक हुआ था जेपीकेएसएस का प्रखंड स्तरीय टूसू महापर्व के लिए, जो झारखंड पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष के लिए का जो मनाने का जो निर्णय है, आज कमेटी जो जानेंगे आज क्या हुआ इस बैठक में। हम आइए जानते हैं नावाड़ी का प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण महतो जी से कि आज जो मीटिंग हुआ किस विषय में मीटिंग हुआ। देखिए, आपका चैनल को हमारे तरफ से हार्दिक जोहार और शुभकामना। पिछले साल 2023 के तेरह जनवरी से हम लोग नावाड़ी प्रखंड के अंतर्गत विनोद बिहारी महतो जो फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम है, उसमें हम लोग टूसू महतो जबा टूसू पर्व के नाम से एक प्रदर्शनी टाइप का हम लोग आयोजन पिछले साल की साल किए थे 2023 में, और उसी आयोजन को आगे बढ़ाते हुए 2024 के 13 जनवरी 2024 को भी हम लोग भव्य टूसू जबा टूसू महोत्सव का कार्यक्रम रखने के लिए जा रहे हैं। उसी को तैयारी को लेकर के नावाड़ी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से सक्रिय सदस्य जो जेपीकेएसएस के हैं आज बैठक में शामिल होकर के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, और विचार विमर्श के क्रम में लोगों ने सभी ने सर्वसम्मति से कहा कि जो नावाड़ी प्रखंड स्थित विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में जो टूसू पर्व का जो महोत्सव हम लोग अगला 24 को मनाएंगे, वो राज्य स्तरीय भव्य समारोह के रूप में मनाएंगे, और सभी ने तान मान धन दे करके इस समारोह को जबर टूसू कार्यक्रम को भव्य सफल करने के लिए सभी लोगों ने अपना स्वीकृति दी और समर्थन देने का वचन दिया। ये थे प्रखंड अध्यक्ष, और भी लोग हैं और जेपीकेएसएस का सक्रिय सदस्य संजय महतो जी, इनसे भी जानेंगे आप लोग टूसू पर्व क्यों मनाते। देखिए, अगर ये टूसू पर्व प्रकृति धरोहर है तो आज से 2 साल पहले इसका नाम भी नहीं था, लेकिन आज क्यों आप लोग इतना जरूरत पड़ गया टूसू पर्व मनाने के लिए। देखिए, हमारी जो समिति बनी है ना, वो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, तो हम लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए चाहे जो करना पड़े उसको करेंगे। इसी कड़ी को लेके हम लोगों का जो सांस्कृतिक विकास है अपना, जैसे हम लोग बोलते हैं हमर संस्कृति हमर पहचान, उसी को लेके हम लोग एक आयोजन करते हैं जो अगले साल हुआ था 2023 13 जनवरी को। उसी का जो दूसरा वर्ष होगा वो है 13 जनवरी 2024 को। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो प्राकृतिक का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो हमारे पूर्वज करते थे, वो विलुप्त क्यों हो गए भाई? इसमें क्या गलती थी, क्या खामियां थी? इतने अश्लील गाने बजते हैं, इतने अश्लील प्रोग्राम होते हैं, वो तो चल गया, लेकिन हमारा जो प्राकृतिक त्यौहार था जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, उसको क्यों लुप्त किया जा रहा था? तो उसी को लुप्त ना हो जाए, हमारा संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त ना हो जाए, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग टूसू पर्व का आयोजन करें। ये तो संजय महतो जी, इनका कहना है कि जेपीकेएसएस जो संगठन है वो उनका नाम ही है भाषा संघर्ष समिति, और खतियान भाषा संघर्ष समिति मतलब हमारा संस्कृति है, भाषा है, बचाव के लिए हमारा संगठन बना है, और उसी को लेकर के अब जितने भी हम लोग इससे पहले जो छुपा हुआ था हम लोग नहीं कर रहे थे, जो जागे नहीं थे, अब ये जेपीकेएसएस जब से हम लोग का निर्माण हुआ तब से देख रहे हैं, या टूसू हो या सोहराय हो या करम हो या सभी तरह के पर्व जो है हम लोग को बीच में मनाने का काम कर रहा है जेपीकेएसएस द्वारा। और धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो के लिए, इतने अब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और धन्यवाद।